क्या आज जल्दी उठ गया? हाँ बापू जी जल्दी उठ भी गया और देखिए आपके लिए मसाला चाय भी बना दिया। आइए बैठे बैठे साथ में चाय और ये मसाला मेथी खाखरा भी खाते है। ये लीजिए बापू जी आपकी चाय। आज तो क्या चाय बनी है बापू जी, तबला तोड़ चाय बनी है। मैंने चाय में चाय का मसाला, पुदीना, लीली चाय सब डाला है बापू जी। तो क्या कि वो चाय का मसाला डालने के बाद चाय उबल रही थी ना, तो मैं ऐसे खड़ा खड़ा सोच रहा था और मुझे याद आया, अरे फ्रिज में मैंने लीली चाय भी देखी थी। फ्रिज खोला देखा लीली चाय थी, ली और डाल दी। और फिर पुदीना याद आया तो पुदीना भी डाल दिया। अरे पीछे ना बापू जी पी क्यों नहीं रहे? अरे तू तारीफ करना बंद करेगा तो पीऊंगा ना, पीने तो दे। सॉरी सॉरी पीजिए पीजिए। और पी के बताइए चाय कैसी बनी? बनी है क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ बाबू, चाय बिल्कुल फीकी है, तू शक्कर डालना भूल गया? नहीं नहीं क्या नहीं नहीं, मैंने अभी पी ना, शक्कर नहीं है। नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब है शक्कर डालना मैं भूल नहीं गया हूँ, वो जानबूझ के नहीं डाली है। क्यों? वो डॉक्टर लोग बोलते रहते हैं ना बापू जी की शक्कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसका उपयोग जितना कम हो उतना अच्छा। तो भाई वो तेरे लिए लागू होता है, मेरे लिए लागू नहीं होता। मैं रोज कसरत करता हूँ, चलने जाता हूँ, एकदम चुस्त रहता हूँ। वो तेरे जैसे लोग जो बैठे बैठे जीवन बिताते हैं ना, उनको शक्कर कम खानी चाहिए, समझा? अरे कहाँ जा रहे? शक्कर चाहिए ना आपको? ले जा बाबा। अभी पी के देखे बाबूजी कैसी बन। सॉरी पीजे पीजे। वाह अब लग रही है चाय है मस्त एकदम। वो क्या कह रहा था तू? तबला तोड़ तबला तोड़। गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग दादाजी। अरे गुड मॉर्निंग आ गया, आ जा नाश्ता करने बैठ जा। नहीं नहीं पापा मैंने नाश्ता कर लिया है, वो तो मैं बस निकल रहा था इसलिए आपको बाय कहने आया था। चलिए दादाजी। हाँ बेटा सब ले लिया है ना? हाँ हाँ दादाजी सब ले लिया है। क्या क्या लिया? दादाजी डोंट वरी मैंने सब ले लिया है, टॉवेल, डेंटल किट, मोबाइल का चार्जर, पावर बैंक, गरम कपड़े सब ले लिया है। तो ठीक, तो तेरा सामान बस इतना ही है? पापा बस दो दिन के लिए तो जा रहा हूँ। ज्यादा मस्ती मत करना बेटा। पापा हम वहाँ पिकनिक के लिए नहीं स्टडी टूर के लिए जा रहे हैं, और हमारे साथ प्रोफेसर और प्रिंसिपल भी रहेंगे, तो ज्यादा मस्ती तो नहीं हो पाएगी, लेकिन टप्पू सन है तो थोड़ी मस्ती तो होगी ना। थोड़ी मस्ती ठीक है, लेकिन वो थोड़ी मस्ती में ऐसी मस्ती मत करना कि ये कॉलेज से तेरी शिकायत है और प्रिंसिपल साहब मुझे वहाँ कॉलेज में बुलाए। नहीं नहीं पापा आपको कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। चलिए मैं निकलता हूँ, बाय पापा। बाय बाय, संभल के चलना और पहुँच के फोन कर देना। हाँ हाँ ठीक है। और पापा आपको याद है ना आज मेंटेनेंस का चेक देना है। अरे हाँ थैंक यू, अच्छा याद दिलाया बेटा, थैंक यू, बाय 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 दादाजी, बाय, संभल के जाना। तो फ्रेंड्स क्या कहते हो, स्टडी टूर पर धूम मचाने के लिए तैयार? अरे फ्रेंड्स सोनू कहाँ है, अभी तक आई नहीं? पता नहीं यार, मैंने भी उसे सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज किया था लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया यार। कहीं वीडियो अंकल ने उसे स्टडी टूर पे आने के लिए मना तो नहीं कर दिया? चलो चलो फ्रेंड्स हम बीड़ंगा से जाकर बात करते हैं और सोनू को लेकर आते हैं। अरे गर्मा गर्म मसालेदार चाय पीने का मजा ही कुछ और है। अरे अरे हंस क्या रहे हो, अभी चाय गिर जाती। सॉरी 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 बीड़ंगा, वो क्या है ना आप इतने आराम से चाय पी रहे थे ना तो हमसे रहा नहीं गया। डर गई नहीं बीड़ंगा? एक वड़ा, मैं डरा नहीं हूँ, वो क्या तुम लोगों ने अचानक ऐसे गुड मॉर्निंग बोला तो जरा झटका लग गया। और तुम क्या हंस रही हो माधवी? वो ठीक है ना, बच्चे मस्ती कर रहे थे, अब इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो?
मस्त पैकी हंसी और चाय पीजिए। वैसे माधवी आंटी सोनू कहाँ है? हाँ सोनू कहाँ है, हमें लेट हो रहा है। और बेड़ अंकल आप भी कहते हैं ना कि हमें कभी भी कहीं भी लेट नहीं होना चाहिए। Hi friends, good morning. Good morning. Think of the devil and Sonu is here. Hey Gogi, मेरी बेटी को तुम devil बोल रहे हो? Devil? Devi, Devi. Think of the Devi and Sonu is here. वाह, अभी एल कहाँ गया? चलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी टूर के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने नाश्ता किया है ना? क्या ऐसे देख क्या रहे हो मुझे? माधवी आंटी, मैंने नाश्ता तो कर लिया है, लेकिन आपकी इतनी इच्छा है तो आपको मना थोड़ी कर सकता हूँ, है ना? नहीं, तुम कर सकते हो मना गोड़े? नहीं भीड़ अंकल, आप ही ने तो सिखाया है कि अन्न देवता का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। माधवी आंटी, कुछ गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। आंटी आंटी, सिर्फ गोली के लिए ही लाना, हम लोग नाश्ता करके आए। गोड़िया, मैंने मस्त पैकी कोथिंबीर वड़ी बनाई है, तेरे लिए लेके आती हूँ। वाह माधवी आंटी, आप दुनिया के बेस्ट आंटी हो। ओ बेस्ट आंटी के बेस्ट भतीजे, तुम सिर्फ दो दिन के लिए जा रहे हो ना स्टडी टूर पे, तो ये दो दो बैग क्यों? हाँ, एक बैग तो नाश्ते से भरी होगी ना? क्या कुछ भी सोनू, एक बैग थोड़ी, दोनों बैग। तो कपड़े मेरी बैग में। अब मानुज का कहा है? गर्मा गर्म कोथिंबीर। आराम से जा रहे, मिलेगा यार, चल चल बैठ जाते हैं ना यार। चला फ्रेंड्स, तुम लोग ने तो नाश्ता कर लिया ना, मैं फटाफट खा लेता हूँ, ठीक है? माधवी आंटी सुपर्ब है, सुपर्ब, थैंक यू सो मच। थैंक यू काका। वाह 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 माधवी आंटी, मजा आ गया। अब 1800 सेकंड तक तो मुझे भूख नहीं लगेगी। उत्तरी गोली, तू 1800 सेकंड तक कुछ नहीं खाएगा? हाँ मतलब, हे गोगी, 1800 सेकंड मतलब सिर्फ आधा घंटा बोल रहे हैं वो। अच्छा चलो फ्रेंड्स, हम निकलते हैं। अरे रुको रुको, मुझे जरा एक जरूरी बात करनी है, ध्यान से सुनो। अंकल कान से सुने, चलेगा? सॉरी सॉरी भीड़ अंकल, वो क्या है ना, आज मैं मस्ती के मूड में हूँ, इसलिए सॉरी। हाँ यही मस्ती जरूरत से ज्यादा ना हो, इसलिए महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। आओ क्या, अभी बच्चे कॉलेज की स्टडी टूर पर जा रहे हैं तो थोड़ी तो मस्ती करेंगे ही ना वो। हाँ भीड़ अंकल, पापा भी वही कह रहे थे कि मस्ती मत करना, मस्ती मत करना। और हाँ भीड़ अंकल, प्रिंसिपल सर और टीचर्स होंगे तो मस्ती करने का तो चांस ही नहीं है भीड़ अंकल। हाँ और उसमें भी आप सीरियस रहने की बात कर रहे हैं। हाँ मस्ती तो होगी, चकदक पट्टे होगी। ए ए मीडियम सोड़ी, मैं ये बोल रहा हूँ कि पढ़ाई करो और मस्ती भी करो। अरे अरे पूरी बात सुनो, तुम लोग जहाँ पे स्टडी टूर के लिए जा रहे हो वहाँ पे वाटरफॉल है, और आजकल पेपर में जिस तरह की न्यूज आ रही है वो पढ़कर ऐसा लगता है कि बच्चों तुम्हें अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है। हाँ, अगली बरोबर। होमा, नदी किनारे ऊंची पहाड़ियों पर ये जोश जोश में मस्ती में सेल्फी खींचने के चक्कर में पैर कब फिसल जाता है पता ही नहीं चलता। अरे लोगों की जान जाने तक के उदाहरण है। हाँ बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ बाबा की बात सही है, मैंने भी ऐसी बहुत न्यूज पढ़ी है। इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, तुम लोग जाओ एंजॉय करो, मस्ती करो, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। मस्ती करते वक्त ये हमेशा याद रखो कि घर पे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कर लो। सेल्फी लो लेकिन सेफली लो। अरे पूरी बात सुनो, सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, इस चक्कर में खतरनाक जगह पे जाके सेल्फी मत लेना। खरा है मेरे अंकल, डोंट वरी, हम ऐसा कोई भी रिस्क नहीं उठाएंगे जिससे हमारे मम्मी पापा को कोई भी टेंशन हो। शाबाश। वो बाबा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, टप्पू सेना एक साथ रहेगी और एक दूसरे का पूरा ख्याल रखेगी। वेरी गुड, डोंट वरी भीड़ अंकल, हम लोग मस्ती करेंगे लेकिन जिम्मेदारी के साथ।
शाबाश वीरंकल, अब हम निकले हमें लेट हो जाएगा। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, निकलो। सोनू फोन करना, पहुंचते बराबर, ठीक है? आजा आजा, मेरा बैग ले लो। अभी सोनू जब तक आती नहीं है तब तक आप ऐसे ही टेंशन में बैठे रहेंगे। माधवी, टेंशन तो होगा ना, मैं सोनू का पिता हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी हूँ, और टप्पू सेना का टीचर हूँ, टेंशन तो होता है माधवी, तुम नहीं समझोगी। बरोबर माँ। अरे देवा, राव दे, मैं गरम करके लाती हूँ। अगो भाई, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? बोला माधवी, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होते तो मेरा क्या होता, मैं कितना लकी हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। खरे सांगू, जब आप ऐसे मुझे देखते हो ना और ऐसी बातें करते हो ना, तो मेरे दिल में सितार बजने लगते हैं। भरत, सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट काम याद आ गया। तुटल्या सगळ्या सतारच्या तारा तुटल्या। कभी कभी मुझे लगता है ना, आप मुझसे ज्यादा गोकुलधाम सोसाइटी से ही प्यार करते हो। नहीं 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 माधवी, ऐसी बात नहीं है, आई लव यू टू। मैंने बोला ही नहीं लेकिन आई लव यू। अभी तो बोला। आप भी नाउ। अरे रुको माधवी, अरे तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए कि तुम्हारा पति एक में और सेक्रेटरी है और सारे काम निष्ठापूर्वक करता है। ये तो मुझे सोसाइटी का वो अर्जेंट काम अभी अभी याद आ गया, इसलिए मैं वो बीच में से रुक गया। ऐसा कौन सा काम? अरे यार, सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक जमा करने की आखिरी तारीख है और हमेशा की तरह जेठालाल का चेक अभी तक नहीं आया। वो पूरा दिन पड़ा है, दे देंगे वो। और आपको इतना ही लग रहा है ना, तो आप उनको फोन करके याद दिलाओ ना। अरे मैं क्यों फोन करूं माधवी, मेरा काम नहीं है वो। अंदर आ सकता हूँ सेक्रेटरी साहब? आइए आइए जेठा भाई, आइए। अभी तुम्हें याद कर रहा था मैं। बता दो क्यों याद कर रहा था। बताओ। एक मिनट। सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक को लेकर याद कर रहा था। ओहो, बराबर, क्या बात है। तो पेश है आपकी खिदमत में चेक के मेंटेनेंस आला गोकुलधाम सोसाइटी। काय बोल रहा, काय लीले बघू जरा चेक वरती। क्या बात है माधवी, जी करा है कि इस चेक की फ्रेम बनवा कर दीवार पे लगा दूं। डेट, अमाउंट, सिग्नेचर, नाम, सब एकदम बराबर है। वाह क्या बात माधवी, आज भगवान से और कुछ मांगा होता ना तो वो भी मिल जाता। वैसे जेठालाल, मुझे जानने की बहुत उत्कंठा है कि मैं चेक के बारे में याद कैसे रहा। एक मिनट, तुम्हें इस चेक के बारे में चाचा जी ने याद दिलाया। गलत। एक मिनट, तुम्हें इस चेक के बारे में टप्पू ने याद दिलाया। हाँ हाँ, देखा माधवी, टप्पू ने याद दिलाया इसलिए चेक यहाँ पे, वरना ये चेक नहीं लाता आज। याला का अर्थ है माधवी भाभी, मैं चेक लेट देता हूँ तो भी सुनाता है, टाइम पे देता हूँ तो भी सुनाता है। कसर आता तुम्हें ये मानसा बरोबर। बघा ना। देखा है। बसा ना मंटल में। आप बैठे ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं माधवी भाभी, मैं घर से अभी चाय नाश्ता करके आया हूँ। चलो चलता हूँ। जेठालाल, वैसे अभी इस बार तो टप्पू ने याद दिलाया इसलिए तुम चेक लेके आए हो, अगली बार कौन याद दिलाएगा। मैं तो कहता हूँ तुम एक आदमी रख लो ना पगार पे, जो तुम्हें टाइम टू टाइम मेंटेनेंस के चेक के बारे में याद दिलाता रहे। सच कहूं भीड़े, मैंने ऐसा एक आदमी रख ही लिया है। हाँ, और उसकी सबसे अच्छी बात क्या पता है, उसको बिल्कुल पगार नहीं चाहिए। वो कह रहा है कि नहीं, मैं आपको ऐसे ही
याद दिलाता रहूंगा। कौन है कौन वो निस्वार्थी सेवक? तुम बराबर की नहीं बाकी भाभी, एक यही तो है जो हर बार मुझे याद दिलाता रहता है, मेंटेनेंस का चेक देना है, मेंटेनेंस का चेक देना है, और ये पकड़ भी नहीं लेता उस बात का। बस जेठालाल बस, सोसाइटी का सब काम मैं अच्छे से संभाल रहा हूँ ना, इससे सोसाइटी बराबर चल रही है। अगर मैं काम करना छोड़ दूँ ना तब पता चलेगा। अरे 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 शांतता ठेवा माधवी भाभी, इससे बोले मैं मजाक कर रहा हूँ। वो मजाक कर रहे हैं तो मत करो मजाक। सोसाइटी का सेक्रेटरी बनना मजाक नहीं है, जिम्मेदारी का काम है। नहीं नहीं भाई बिल्कुल मजाक नहीं है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जो तू कर रहा है। लेकिन ये तो बात बात में सीरियस क्या हो रहा है भाई है? चेक मिल गया ना खुशी मना? खुशी मना क्या खुशी मना, तुमने मुझे सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक दिया जेठालाल, लोन नहीं दिया है। लोन चाहिए तुम्हें तो बोल ना, तू बोलेगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कितना चाहिए लोन बोल। नहीं चाहिए लोन जेठालाल, बस तुम टाइम टू टाइम सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक दिया करो, यही बहुत है। मिल जाएगा भाई मिल जाएगा, चलो मैं चलता हूँ। ओके चलो आणि काय वसाचं बघा झालं होतं का, बघा ना तू, तुम्ही बसा ना, मैं चाय लेकर आती हूँ गरमागरम। हाँ बोल बघा। सेठ जी अब दुकान आने वाले हैं? हाँ मैं दुकान आऊंगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा दोस्त, क्योंकि मैं पहले क्या है उज्बेकिस्तान जाऊंगा, वहां से कजाकिस्तान जाऊंगा और फिर वहां से जाम्बिया होते हुए दुकान पहुंचूंगा, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा दोस्त। क्या सेठ जी आप उल्टे जवाब क्यों दे रहे हैं? तू सवाल उल्टा पूछेगा तो जवाब उल्टा ही मिलेगा। सेठ जी आप दुकान आने वाले? ऐसा पूछ रहा है जैसे मैं 15-20 दिन में कभी कभार गलती से दुकान आता हूँ। अरे दुकान तो रोज में आता ही हूँ ना। अच्छा सॉरी सॉरी, मेरा मतलब था आप दुकान कितने बजे आने वाले हैं? क्यों है कुछ आप बताइए ना, आप दुकान कितने बजे आने वाले हैं? अरे भाई मैं कितने भी बजे आऊँ तो बोलना, काम क्या है? बस काम यही है कि मुझे जानना है कि आप दुकान कितने बजे आने वाले हैं। तो क्यों बताया ना, है कुछ बगा? वन मिनट सेठ जी आप ये तो बताइए कहाँ तक पहुँचे? मैं बस सोसाइटी कंपाउंड से निकल रहा हूँ। आइए आइए सेठ जी। अरे आइए वाड़ी भाई, तू बताने भाई काम क्या है, वरना मैं जब तक दुकान पहुँचूंगा तब तक मेरा जीव अधर का अधर रहेगा। नहीं 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 सेठ जी, इतना कुछ खास काम भी नहीं है, आप आइए दुकान आइए ठीक है। हेलो हेलो, ये यार ये बागा भी ना, एक नया दिन एक नया प्रारंभ, और नए दिन की शुरुआत में ही मेरे परम मित्र जेठालाल के लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है। अब क्या है सरप्राइज ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन जीवन खुशियों से भरा है मित्रों। ये जो छोटे छोटे टेंशन होते हैं, छोटे छोटे टेंशन के बाद जो खुशियां मिलती है, ये जो सरप्राइजेस होते हैं हमें आनंद देते हैं। अब देखिए ना, हम गोकुलधाम निवासियों को देखिए, कितनी मुसीबत क्यों ना हो, कितनी मुश्किलें क्यों ना हो, कितनी परेशानी क्यों ना हो, हम मुस्कुराते रहते हैं, और ये चीज ही हमें आपस में एक दूसरे से जोड़ के रखती है। आपसे भी यही कहता हूं मैं मित्रों, जीवन में परेशानी आएंगी तकलीफें आएंगी, लेकिन मुस्कुराते रहिए, उल्टे चश्मे से देखिए जीवन को, तो खुशियां आपको दिखने लग जाएगी। ये जो खुशियां होती है ना बिल्कुल ईश्वर की तरह होती है, अगर कोशिश करेंगे तो जरूर मिलेंगी खुशियां, जैसे कोशिश करने पर भगवान भी मिल जाते हैं। अब यहाँ नए दिन में क्या नया धमाल होता है, नई खुशियां होती है, तो नए उमंग और नए उत्साह के साथ बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.